लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विशाखापट्टनम में गैस लीक से कई लोगों की मौत, कई बच्चों बुजुर्गों की हालत गंभीर, चचेरे भाई बहन बने पति पत्नी, लॉकडाउन में थाना परिसर के अंदर शादी, फोन पर 10,000 का कैशबैक, मोटोरोला का खास ऑफर, पाक के लिए इशारा काफी, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद अब IMD के वेदर बुलेटिन में, कोरोना वॉरियर अमित के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे केजरीवाल, कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। आइए रुख करते हैं 8 मई की तमाम खबरों का। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,561 नए मामले सामने आए हैं और 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 52,952 हो गई है, जिसमें से 35,902 सक्रिय हैं और 15,267 लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं। समय के साथ ये आंकड़े कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। IG विजय कुमार ने आतंकी के एनकाउंटर के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से हमारी टीम रियाज नायकों का पीछा कर रही थी और उसे ट्रैक कर रही थी। भारत में कोरोना वायरस की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है, पूरा देश अभी भी लॉकडाउन में है। सिंगापुर के एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ज्यादातर देशों में कोरोना मई में खत्म हो जाएगा। टाटा हाउसिंग ने डिजिटल तरीके से फ्लैट की बिक्री शुरू कर दी। खरीदारों को फ्लैट बुक करने के लिए 10% का भुगतान तुरंत करना होगा, बाकी का पैसा अगले साल जनवरी 2021 में देना होगा। मतलब यह है कि खरीदारों को पेमेंट के लिए करीब 8 महीने का समय मिलेगा। विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पता चला है कि गैस वॉल्व में दिक्कत होने की वजह से हादसा हुआ। सुबह 2:30 बजे गैस वॉल्व खराब हो गया, जिसकी वजह से जहरीली गैस लीक हो गई। गैस लीक के हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। टाटा समूह के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा ने मुंबई के 18 साल के युवा अर्जुन देशपांडे की दवा बिक्री करने वाली कंपनी जेनरिक आधार में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। ये कंपनी खुदरा दुकानों को बाजार से सस्ती दर पर दवा बेचती है। 6 महीने पहले रिश्ते में चचेरे भाई बहन बिहार से दिल्ली भाग गए। कुछ दिनों बाद जब लॉकडाउन लगा तो वो गांव वापस गए, जहां पर वो पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस पर गांव वालों ने आपत्ति की और उन्हें घर से बाहर कर दिया, तो थाना परिसर में उनकी शादी हुई। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा लोगों के घर शराब पहुंचाने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के बीच देश में शराब का कारोबार खोल दिया गया है, जिससे कि लगातार जमकर बिक्री हो रही है और कंपनी इसका फायदा उठाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से प्रदेश में बने हालातों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ, इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ समझा दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान उसका अभिन्न अंग है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर का सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। फोन पर 10,000 का कैशबैक, मोटोरोला का खास ऑफर। मोटोरोला रजार खरीदने पर 10,000 के कैशबैक का लाभ सिर्फ सिटी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड ग्राहकों को दिया जा रहा है। ग्राहकों को ये कैशबैक उनके कार्ड में ही आएगा। कंपनी का ये ऑफर 31 मई तक वैलिड है। BSF में कोरोना संक्रमित 85 नए मामले सामने आए। इससे पहले BSF में 69 मामले कोरोना पॉजिटिव थे। BSF में कोरोना के अब तक 154 मामले हैं, जबकि इनमें से 2 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चीन ने अपने 9,000 मील तक फैले तटीय इलाके में कई नौसैनिक ठिकाने बनाए हैं। दरअसल चीन इस रणनीति पर काम कर रहा है कि अगर अमेरिका अचानक हमला करके उसके किसी ठिकाने को तबाह भी कर दे तो वो आसानी से पलटवार कर सके। कोरोना संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को अपने वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने कवायद तेज कर दी है। कोरोना वायरस के बीच मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि करीब 1,000 कोरोना से संक्रमित जमाती ठीक हो चुके हैं। बता दें कि करीब 4,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें मार्च के आखिर में निजामुद्दीन स्थित मरकज से या अन्य जगहों से पकड़ा गया था। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।